कानपुर के मकराबटगंज स्थित दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय के सभागार में प्रतिभा परिचय एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। मुख्य अतिथि सचिव प्रबंध समिति मानवेंद्र स्वरूप और विशेष अतिथि राधिका स्वरूप, सदस्य प्रबंध समिति एवं प्राचार्य प्ररत्ना गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती जी के चरणों पर माल्यार्पण के माध्यम से किया गया। इसके बाद महाविद्यालय की छात्राओं सुप्रिया, भव्या, नैन्सी एवं अन्य द्वारा अतिथियों के स्वागत के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रत्ना गुप्ता द्वारा मुख्य अतिथि मानवेंद्र स्वरूप को स्मृति चिन्ह एवं पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। विशेष अतिथि राधिका स्वरूप का पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शोभिता अग्रवाल द्वारा पुष्प एवं वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर मीता जमाल द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महाविद्यालय की प्रवक्ता डॉक्टर मंजू गुप्ता द्वारा पिछले 3 वर्षों में महाविद्यालय में बीएड एवं एड में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं एवं यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को मंच पर आमंत्रित किया गया, जिन्हें मुख्य अतिथि मानवेंद्र स्वरूप एवं राधिका स्वरूप द्वारा मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। का प्रोग्राम उन छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का है जिन्होंने कॉलेज का नाम रोशन किया है, अपनी अपनी फील्ड्स में आगे बढ़े हैं, चाहे नेट क्वालिफाई करा हो, चाहे पीएचडी की हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब लगी हो, या जिन्होंने कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में टॉप किया हो। ये कॉलेज की तरफ से एक प्रयास है कि उनको रिकग्निशन मिले, उनको हम पुरस्कृत कर सकें। ये कार्यक्रम इस बारी जो करा गया है 3 साल के बच्चों को एक साथ लिया गया है। पहले भी होता आया है बट कोरोना में ये ब्रेक हुआ है, उसके बाद से ये परंपरा 21 में हो रहा है। अब कोशिश ये रहेगी कि हर साल जो बच्चे पास आउट होते हैं उनका कॉन्वोकेशन भी किया जाए और जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चाहे कल्चरल हो चाहे स्पोर्ट्स हो उनको भी कॉलेज अपनी तरह से पुरस्कृत कर सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।